कर्म तो। मोक्ष तो। प्रकाश तो। अंधकार भी तो। मार्ग तो। लक्ष्य तो। अंत तो। आरंभ भी तो। काली तो। काली तू। दुर्बल देव स्वयं सामना ना कर पाए तो हमें चौंकाने के लिए एक देवी को ये स्वांग दे दिया। केवल शरीर पर काला रंग पोत कराने से काल का सामना नहीं किया जाता मूर्ख स्त्री। जिन्होंने तुझे मृत्यु के मुख में भेजा है वो भली भांति जानते हैं कि इस दुर्गम भूमि में ऐसा कोई भी नहीं जो चंड मुंड का सामना कर सके। ब्रह्मांड का अकाट्य सत्य है कि बल केवल पुरुष में होता है, स्त्री तो अबला होती है। नारी नाम ही इसने पड़ा क्योंकि वो नर के पीछे चलती है, उसके सामने झुकती है। नारी का कार्य है पुरुष को प्रसन्न करना कर्म से, वचन से और तन से। समझी? जब देव तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, त्रिदेव मुंह छिपा कर बैठे हैं तो तुम क्या कर लोगी अबला? प्रतीत होता है इसे शब्दों की भाषा नहीं आती, शस्त्रों की भाषा से इसे समझाओ चंड के पुरुष बड़ा, स्त्री छोटी। पुरुष फली और नारी अबला। सच कहा तुमने, पुरुष होता है नारी होती है, जन्म भी होता है मृत्यु होती है, होता है शक्ति होती है। जिसे भी नारी शक्ति ही लगे आत्मा स्त्री से युक्त करे। बाल मन शक्ति है या भय? We'll be right back.
शक्ति जागृत होती है तो पुरुष का बल और तप दोनों समाप्त हो जाते हैं। शत्रु नहीं है जो किसी भी नारी को पीड़ा पहुंचाता है वो स्वतः मेरा शत्रु बन जाता है। क्या होती है नारी, उत्तर दो, क्या होती है नारी? उत्तर दो, क्या होती है नारी? नारी अबला होती है तो अबला में से अक्षर हटा देते हैं। इस युद्ध में हम विजयी हुए। जनमुन का संहार करने वाली देवी का ये रूप संसार चामुंडा के नाम से जानेगा। देवी चामुंडा की जय। देवी चामुंडा की जय हो। हे प्रभु, एक और असुर सेना। ये दोनों तुम्हारा भय नहीं थे, तुम्हारा भय तुम्हारे भीतर है। ये भाव कि तुम सब अबला हो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, युगों युगों से दबे हुए क्रोध की तालिमा हूं मैं। जब जब तुम पर अत्याचार हुआ उससे उत्पन्न घुटन का आवेग हूं मैं। अपने भय का अंत करो और जीवन के संघर्ष में जब भी कोई अबला कहे तुम्हें तो स्मरण रखना, शक्ति तुम्हारे भीतर है, महाकाली तुम्हारे साथ है। और दमन करो अपने भाई का। अपने भाई को त्याग दोगी लक्ष्मी तो स्वयं में वैष्णवी दिखेगी तुम्हें, और सरस्वती को स्वयं में ब्राह्मणी। उठा
मस्त। रहने की भी सीमा होती है, सागर के उड़ने ज्वाला से जगाओ अपनी भीतरी शक्तियों को और अंत करो अपने शत्रु का। जागृत हो गई, अंततः प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली। आएंगे जिसने धूम्रलोचन का वध किया। चंडमुंड का शरीर यह कैसे हुआ? प्रश्न ये नहीं कि यह कैसे हुआ, प्रश्न ये है ये किसने किया। कुछ तो है जो छुपा है। देवियों के अनेक बार मैंने दिव्य रूप देखे, परंतु ये रूप देखकर मन में श्रद्धा के साथ साथ भय क्यों जाग रहा है? का नहीं, बुद्धि के उपयोग का समय है। निशुम सोचो, इस नदी शंख फेंक, ये देवों की नीति नहीं। पहले धूम्रलोचन, अब चंडमुंड, ये सामान्य देवों का कार्य नहीं। कोई शक्ति है कैलाश में अंधकार फैलाने के लिए। पहले हमें अपने शत्रु को प्रकाश में लाना होगा।
निशम आश्चर्य कैलाश के शिखर पर वास करने वाले वो महादेव जिन्हें प्रसन्न करने के लिए वर्षों साधना करनी पड़ती है आज स्वयं पाताल में मार्ग भूल गए महादेव या कैलाश से गिर गए मृत्यु काल और शिव कहीं भी जा सकते हैं मार्ग खुला नहीं मार्ग दिखाने आया ताकि तुम मृत्यु की गोद में ना गिरो लगता है कैलाश की सीता ने आपकी बुद्धि जमा दी है माने भूल गए कि आप हमें मार नहीं सकते हम यदि चाहें सागर की लहरें अभिमान में बहुत ऊपर उठती हैं शुम किंतु गिरना उन्हें सागर में ही होता है यूं समझ लो कि आज सागर अपनी उन्मत्त तरंगों को चेतावनी और अवसर दोनों देने आया है अवसर तो मैंने दिया था देवों को मेरी चरण में आने का परंतु मुंड का वध करके उन्होंने वो अवसर खोया अब चेतावनी सुनिए महादेव किसी भी परिस्थिति में कैलाश स्वामिनी त्रिलोकपति की होगी और यही देवों और आपकी कथा का अंत होगा और पार्वती के नए जीवन का प्रारंभ हमारे विवाह में आनंद तांडव करने अवश्य आना महादेव वृक्ष से जब पहले पत्ते झड़ते हैं तो माली सावधान हो जाता है कि वसंत समाप्त हुआ और पतझड़ आने को है चंड मुंड के कटे हुए धड़ देखकर भी तुम समझ नहीं पाए कि विनाश का भूकंप आने को है महाकाल से भी ऊपर एक शक्ति है शुंभ जो जागृत हुई है महाकाली सावधान हो जाओ शुम क्योंकि यहां तुम संवाद में समय नष्ट कर रहे हो और वो वहां तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर रही उसी महाकाली के अन कहे संदेश को तुम तक लाया हूं आज मैं महाकाल नहीं महाकाली का दूत ओ, तो आपको लगता है कि वो शक्ति हमारा नाश करेगी तुम्हारा नाश अंत नहीं होगा मूर्ख अपितु इस सृष्टि के अंत का प्रारंभ होगा वो एक समय था जब तुम दोनों ने बड़ी निष्ठा से मेरे लिए तप किया था उसी निष्ठा के लिए तुम दोनों को सावधान करने आया हूं कि अपने विवेक का प्रयोग करो सोचो स्वयं महाकाल जिसके दूत बनकर आए हैं वो शक्ति कितनी बड़ी होगी कितनी विकराल होगी रक्तपात रोक दो शुम अन्यथा अपने ही रक्त में डूब जाओगे Oh!
क्या सोच रहे हो भ्रता? महादेव हमें रक्तपात के मार्ग से हटाने आए थे या रक्त का मार्ग सुझाने? कुछ समय पूर्व ही मैंने आपको योग निद्रा में जाने का सुझाव दिया था ना राय, स्वयं समाधि में था। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी समाधि छोड़कर आपको योग निद्रा से जगाने क्यों चला आया? आपके आगमन के पीछे का संकेत मैं समझ गया महादेव। शुम ने आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अपने अंत के निकट हैं दोनों। उस अंत से पूर्व एक नया आरंभ हो गया तो? महादेव नारायण, हम सर्वज्ञ काल चक्र के हर क्षण की बात जानते हैं, किंतु काली काल चक्र से परे वो कब क्या करेंगी कोई नहीं जानता। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उसे रोक पाना हमारे वश में नहीं? महादेव, कहीं हमने काली को जागृत करके कोई भूल तो नहीं की? काली को जागृत होना ही था नारायण, अपना कर्तव्य निभाना ही था। अब हमें सच होना होगा अपना कर्तव्य निभाने के लिए। युद्ध हम लगभग जीत चुके हैं, किंतु महाकाली की उग्रता बढ़ती जा रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? कदाचित एक और बड़ी चुनौती आने को सज्ज है। हम युद्ध भूमि की ओर जाने के स्थान पर यहाँ क्यों जा रहे हैं भ्रता? आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है निशुम्भ। सोचो, महादेव हमें मार नहीं सकते, फिर भी सावधान करने यहाँ आए, अर्थात स्वयं महादेव का उस शक्ति पर कोई वश नहीं। और वो तो स्त्री है, हमारे वरदान के कवच को बेच सकती है। तो क्या हम उससे भयभीत होकर भाग रहे भ्रता? नहीं, जाल का प्रबंध करने उस डाल का तो महाकाली की शक्ति को ही उसकी दुर्बलता बना देगी। ऐसा क्या है भ्रता? किसने मेरा आह्वान किया और क्यों? महान ताड़ का सुर का प्रतिनिधि मैं शुम तुम्हारा आह्वान करता हूँ। वो योद्धा प्रस्तुत है जिससे शक्ति परीक्षण करके तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। महाकाली, एक स्त्री तो अब रक्त बीज एक स्त्री से युद्ध करेगा,
हाँ, उसे अनुभव कराना आवश्यक है। स्त्री अबला होती है। अपने महाराज त्रिलोकपति शुंभ का संदेश लाया हूँ। महाराज शुंभ से विवाह करना होगा आपको। तुम्हें क्या लाश पर मर्यादाहीन प्रस्ताव लाए थे ना? तुम्हें ने कहा था कि पुरुष के प्राण के सामने नारी के सम्मान का कोई महत्व नहीं। सत्य तो ये है कि नारी के अपमान का मूल्य पुरुष अपने प्राण देकर चुकाता है। अगली महापरीक्षा का समय हो गया है पार्वती, स्वयं पर नियंत्रण मत खोना। जय महाकाली! जय चामुंडा! जिसने सारी सेना का नाश कर दिया, उसी के समक्ष अकेला आया है। तो तुम हो जिसने चंड और मुंड का संहार किया। उन दोनों की मुंड की माला लगाकर तुम मुझे भयभीत नहीं कर सकती। अभी इस माला में और भी मुंडियों के लिए स्थान शेष है। स्थान तो मैं तुम्हें बताऊंगा मूर्ख स्त्री। या तो वो रसोई घर है या पुरुषों का शयन कक्ष। तुम्हारे नाश के लिए महाकाली को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है मूर्ख दानव? इनकी प्रेरणा से ही हम ये कार्य सिद्ध कर लेंगे। जो पुरुष नारी को चरणों की धूल समझेगा, नारी उसे धूल में मिला देगी, तमो नाश कर देगी उसका। मूल नाश करोगी मेरा, बिना रक्त बहाए तुम मुझे मार नहीं सकती। जहां जहां मेरा रक्त गिरेगा, मेरा एक और शरीर जन्म लेगा। रक्त बीज हूं मैं। महादेव के वरदान से मेरे रक्त की हर एक बूंद मेरा बीज है, और इस बीज से निकला हुआ हर एक फल बहुत घातक है मूर्ख देवियों। अब आएगा आनंद, इसे भयभीत करने महादेव यहाँ आए।
मैं स्वयं महादेव के वरदान से भयभीत होगी। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है भ्राता। मूर्ख मत बनो निशुम, मैं नारी पर विजय का वरदान नहीं। आपकी दी हुई ढाल युद्ध क्षेत्र में खड़ी है भ्राता, मुझे उसका नाश अपने नेत्रों से देखना है। जिसने हमारे सहस्रों वीरों का लहू बहाया, अब कहो महाकाली कैसे सामना करोगी रक्त बीज नामक महासमस्या का। आज तुम सबके रक्त इस युद्ध क्षेत्र में बहेंगे। प्रतिरूप वो बाढ़ है जिसमें तुम्हारा अस्तित्व बह जाएगा महाकाली। महाकाली का नाश ही सिद्ध करेगा कि नदी चाहे कितनी भी प्रचंड हो, पर्वत से टकरा के उसका अभिमान चूर हो जाता है।
पहले ही तुम्हारा नाश कर दूंगा। रक्त बीज हूँ मैं और मैं महाकाली रक्त ही नहीं भय कुशलता बुराई सब का दर्शन करती हूँ मैं।